मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको पाठ नौ भाग क्रिया क्रिया तो आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अब क्रिया का काल मैं आपको बताऊंगी। काल की परिभाषा बताऊंगी। जैसे कि काल की परिभाषा क्या है? काल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से काम भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतकाल।
का कहते हैं। अब देखिए भविष्य काल क्या होता है। जब कार्य आने वाले समय में होगा, जब कार्य आने वाले समय में, जो आने वाला है उसको हम क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। क्या कहते हैं, भविष्य काल। जैसे माँ कल बाजार जाएगी, माँ कल बाजार जाएगी, तो ये क्या हो जाता है, भविष्य काल हो गया। क्या हुआ, भविष्य काल हो गया। अब आपको वर्तमान काल बताएं, भूतकाल बताएं, भविष्य काल। वर्तमान काल हम किसे कहते हैं, आप बताइए। वर्तमान काल है विशाल खेल रहा है, वर्तमान काल है। और भूतकाल क्या है, रंजना खो खेल रही है, भूतकाल हुआ। और भविष्य काल क्या हुआ, माँ कल बाजार जाएगी। जो भविष्य काल में जब कार्य आने वाले समय में, जब कार्य आने वाले समय में होगा उसे क्या कहते हैं, भविष्य काल। क्या कहते हैं, भविष्य काल। तो आप लोग को अच्छी तरह से काल के बारे में समझ में आ गया। काल की परिभाषा में भी बता दी, काल के भेद भी बता दी, और तीनों भेद का मैं परिभाषा भी बता दी आपको कि वर्तमान काल किसे कहते हैं, भूतकाल किसे कहते हैं, और भविष्य काल किसे कहते हैं, बता दी। आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।